Good morning, students. Today we learn about natural sights of this world. Means natural sight यानी जो आप अपने आसपास देखते हो, जो natural चीज है कि कैसे लोग दिख रहे हैं, कौन किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसका व्यवहार कैसा है किसके साथ, और इस तरह की बातें इस आपके चैप्टर में आज लिखी हुई है। जैसे कि हर चीज यहाँ आप लोग देखते हो आसपास की हर चीज एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। नॉट एनीथिंग इज सिमिलर, लाइक इफ यू वेयर द क्लोथ्स दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टू ईच अदर, एंड यू सी द ऑर्नामेंट्स, इफ यू सी द ऑर्नामेंट्स वेयर एनी वन इज नॉट द सेम टू अनदर, दूसरे की जैसी वो नहीं होती है। और कोई भी शेप ले लो, जैसे कि आप फर्नीचर का ले लो, लकड़ी है, वुड का कोई चीज है, तो आप वो देखते हो कि सबके शेप अलग अलग है और हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के चीज यूज किए जाते हैं। अब एक ही वुड है, द सेम थिंग इज द वुड, वुड इज लाइक मान लो कि इतने बड़ा वुड है, अब उसको जो है कट करके क्या करते हैं कारपेंटर, उसको अलग अलग शेप देते हैं, कोई टेबल का शेप दिया, कोई चेयर का शेप दिया, एंड सो मेनी थिंग ही मेड फ्रॉम, एंड इवन अ टेबल यू सी अ टेबल, टेबल इज ऑल्सो द डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वो काइंड, मतलब प्रकार उसका अलग होता है, कोई गोलाकार टेबल बनाता है, कोई चौकोर बनाता है, कोई लंबा बनाता है, कोई फोर सिटिंग का है, किसी का एट सिटिंग का है, तो इस तरह डिफरेंसेस जो हम लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द, दैट इज रिटेन द स्वाभाविक सादृश्यम, ये नेचुरल थिंग है। यू कैन सी द समबडी इज थिन एंड समबडी यू सी द फैटी पर्सन, एंड दे नॉट सिट, द थिन पर्सन नॉट सिट्स विद द फैट पर्सन, एंड इफ यू गो इन एनी फंक्शन यू शुड सी, मतलब यू ऑलवेज आई थिंक यू सीन दिस वन दैट द पर्सन केम नॉट सिट विथ एनी वन, मतलब वो किसी के भी साथ वो नहीं बैठ जाते हैं, उनके जो अपने होते हैं वो जिनको जानते हैं यू नो हुम, एंड अगर उनको किसी से काम है, कोई काम वाले हैं, इफ एनी वर्क विथ इंगेज विथ एनी वन दे सिट विथ हिम और हर, एंड इफ यू गो इन एनी मैरिज तो आप वहाँ भी देखोगे कि जो आपके मेटेरियल साइड के लोग होते हैं वो दे सिट्स विथ देम, अगर चार मामा आए हैं तो मामा मामा के साथ, मासी आई है तो वो मासी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगी, और चाचा वाले पक्ष जो है आपके अंकल वाले वो अंकल के साथ ग्रुप उनका होता है, तो बातें करते हैं बट ग्रुप वो अलग अलग बन जाता है, तो इस तरह से ये स्वाभाविक सादृश्य है, ये स्वाभाविक है अपने इंडिया में, ये नेचुरल दृश्य है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह की बातें इस चैप्टर में आएंगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ जो है ये पहले आप लोग देख लो, वर्ड मीनिंग कुछ हमने लिखा है वो पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। 17 चैप्टर पार्ट 1 स्वाभाविक सादृश्य। सिद्धांत प्रिंसिपल, सिद्धांत किसी का सिद्धांत होता है ना, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं सुबह 6 बजे ही उठता हूँ, उठने के साथ मैं भगवान का नाम लेता हूँ, दिस इज हिज सिद्धांत, और दूसरे का अलग हो सकता है, आप उठ करके टहलने चले जाते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, बाद में लेते हो, तो दिस इज दैट पर्सन सिद्धांत प्रिंसिपल, उनका प्रिंसिपल है कि आप आओ कमरे में तो पूछ के आओ, मैं आई कम इन, वो उनका सिद्धांत है कि नहीं मैं जब जाता हूँ पूछ करके ही जाता हूँ, और अनदर वन अनदर का सिद्धांत है कि नहीं मैं अपने शूज खोल के जाता हूँ, ये मेरा अपना सिद्धांत है, तो दिस इज सिद्धांत प्रिंसिपल, वो अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं कि ऐसा मैं करता हूँ,
बुजुर्ग हैं हमें उपदेश देते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो वो मोरल होता है, मोरल ज्ञान होता है, नैतिक ज्ञान होता है, तो वो हमें गेन भी करना चाहिए। मोरल एडवाइस, एडवाइस भी उसे करते हैं, कोई सलाह देते हैं ना, उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि आपको सुबह उठना चाहिए, आपको सुबह उठ कर वॉकिंग करनी चाहिए। मम्मा बोलती होंगी आप लोगों को घर में अर्ली टू गेट इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर वॉक एंड रीड द बुक अर्ली इन मॉर्निंग। सो आप लोग बोलते हो कि उपदेश है, मम्मा उपदेश दे रही है, तो दैट इज एडवाइस एंड दैट इज द मोरल। वो आपको सिखाती हैं, अच्छी बात है। समाज, समाज में सोसाइटी, जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो समाज कहलाता है। ये एक समाज है, समाज में हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए सबके साथ। सोसाइटी जहाँ आप रहते हो सबके साथ मिल के रहते हो ना, कोई अंकल है, कोई आंटी है, कोई बच्चे हैं, सभी के साथ खेलते हो, तो दैट इज कॉल्ड समाज। एक होता है हमारा फैमिली, एक घर में जो सब लोग आप लोग रह रहे हो दैट इज योर फैमिली, और जो अलग अलग घर में है एक सोसाइटी में है वो दैट इज समाज, वो समाज कहलाता है। समवाय, गैदरिंग, गैदरिंग इकट्ठा होना, समवाय। मातुला, वही मैटरनल अंकल को मातुला बोलते हैं, मामा, मामा जिनको बोलते हो दैट इज मातुला। पितृव्य, पितृव्य चाचा, जो पापा के भाई हैं वो पितृव्य है, और जो मम्मा के भाई हैं वो मातुला है। गोष्ठेशु, गोष्ठेशु यू रीड बिफोर गोष्ठेशु वर्ड इन कैटल यार्ड, गोष्ठा गोष्ठा वर्ड है और सुसप्तमी का बहुवचन आ गया इसलिए इन लगा है, तो इन कैटल यार्ड। भिन्नेशु द सेम थिंग, ये शु लग गया सप्तमी का बहुवचन, तो दैट इज इन डिफरेंट। भिन्न मतलब अलग अलग होता है, विभिन्न बोलते हैं ना, भिन्न, ये आपसे भिन्न है, ये दोनों के पेन भिन्न है, भिन्न तरह के हैं, भिन्न प्रकार के हैं, तो मीन्स डिफरेंट है, डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस ही है। तद्यथा, जस्ट एज, तद्यथा मतलब जस्ट एज, जैसा का वैसा। आकार था, फ्रॉम शेप, आकार में इन शेप और फ्रॉम शेप, इन शेप भी आप बोल सकते हो और फ्रॉम शेप भी इसका आता है, कि मैं जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से वहाँ गया अहमदाबाद तक सह सूरत गतवा, तो वो अहमदाबाद से सूरत गया, तो आकार तह वो अहमदाबाद तह वहाँ पे आता है, वहाँ से फ्रॉम, एंड ये या इसको हम लोग यूज करते हैं बीच में सेंटेंस में, तो इन भी ये इन में भी यूज कर देते हैं, तो फ्रॉम से और इन से यू राइट। एंड आकार वर्ड जानते हो ना, आकार किसी चीज का आकार होता है, तो दैट इज कॉल्ड से। तिर्यक, तिर्यक मीन्स ऑब्लिक, जो तिर्यक रेखा खींचते हैं हम लोग, जैसे ऑब्लिक तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्लिक डालते हैं किसी भी चीज में, जैसे मैथ्स में भी पढ़ते हो तो 5/6 ये ऑब्लिक, ऐसे जो तिर्यक टेढ़ी रेखा उसको ऑब्लिक बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस रेखा जो है ये टेढ़ी रेखा, ये ऑब्लिक, ये सीधी नहीं है, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, तो दिस इज कॉल्ड तिर्यक, इसे ही ऑब्लिक कहते हैं, ये ऑब्लिक रेखा, ये तिर्यक रेखा हो गई। और ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मीन्स एवं ऊपर, ऊर्ध्वम मीन्स एवं ऊपर की ओर। आर्वाक, डाउनवर्ड, आर्वाक मतलब नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दिस इज ऊर्ध्वम, ऐसे ऊर्ध्वम एंड दिस इज डाउनवर्ड, अंडरस्टूड। एंड स्वर्ण लौह आदय धातव, इसमें क्या है, स्वर्ण लौह आदय, सोना है, लोहा है और आदि, बोलते हैं सोना लोहा आदि, धातव मतलब धातु, वो मटेरियल, मटेरियल, मेटल्स लाइक गोल्ड आयरन एक्सेट्रा, मेटल्स लाइक धातु को मेटल्स बोले और मटेरियल भी बोले, मेटल्स लाइक गोल्ड आयरन एक्सेट्रा, गोल्ड हो गया स्वर्ण और आयरन हो गया लौह और धातु हो गया मेटल्स, मेटल्स लाइक That's right.
बाय प्रत्यक्षता अपेरेंटली जो अपीयर होता है, अपीयर वर्ड जानते हो ना, अपीयर मतलब प्रकट होना, कोई अपीयर हो गया तो प्रकट होना उसको बोलते हैं, तो वहीं से आया है अपेरेंटली मतलब प्रत्यक्षता सामने, अपेरेंटली ही इज स्पीकिंग समथिंग, वो प्रत्यक्षता वो बोलता है कुछ भी, मतलब किसी कोई भी बात बोलनी है तो सामने बोल दिया। निकार निकटासना हैविंग अ सीट, निकटासना निकट प्लस आसना, निकट मतलब नजदीक, आसना मतलब बैठना, तो हैविंग अ सीट, हैविंग अ सीट। पीना, पीना फैट को बोलते हैं, पीना फैट, फैटी कोई व्यक्ति है तो उसको पीना, पीना व्यक्ति कह सकते हैं। तो इस तरह सम वर्ड मीनिंग है, और भी कोई हार्ड वर्ड मीनिंग आएंगे तो मैं बीच में आप लोगों को बताऊंगी। लिख लीजिए आप लोग, सब लोग आई होप सब लोग लिख लिए होंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ द चैप्टर स्वाभाविकम सादृश्यम, 79 पेज निकालिए, 17 चैप्टर है। इसमें जो है 20 मतलब नियरली 2600 ईयर अगो पाणिनि थे, बहुत ही बड़े व्याकरण के रचयिता है, महाभाष्यकार भी कहा जाता है। तो वो जो है लगभग 2600 ईयर्स अगो ही रोट अ बुक इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत फॉर व्याकरण, फॉर संस्कृत व्याकरण, एंड इन हिज बुक द ऑल व्याकरण्स आर रिटेन इन लाइक सूत्र, सूत्रबद्ध किया उन्होंने। जो व्याकरण तो बहुत बड़ा है, और कहा गया सारे लैंग्वेज में, सारे जितनी भी लैंग्वेज है इंडिया में सबका ये मेन है संस्कृत, संस्कृत जो है ये सब यहीं से सब निकला है, संस्कृत से ही सारी भाषाओं में, सारी भाषाओं के शब्द आपको संस्कृत से गृहित हैं, यहाँ से लिए गए हैं। तो उन्होंने जो इस व्याकरण के बारे में समझाया है वो उसको सूत्रबद्ध किया है, मतलब कोई सूत्र बना दिया है, एक छोटा सा सूत्र बना दिया। आपने संधि पढ़ा होगा, तो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र आपने पढ़े होंगे कि जैसे एचो आय वाय हाँ आदगुणा, अब इतना छोटा सा हो गया आदगुणा, एक सूत्र बना दिया आदगुणा, अब आदगुणा से वो पूरे मीनिंग लग गए हमें। आदगुणा को अगर आप समझोगे तो अ और आ के बाद जो ई और एम ई आता है तो उसका ए और ए हो जाता है, ए हो जाता है, तो ये गुण हो जाता है उसका, वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हमें इतनी बातें एक छोटे से सूत्र आदगुणा के द्वारा मालूम पड़ गई। तो इसी तरह इन्होंने व्याकरण को उन्होंने सूत्र के रूप में सूत्रबद्ध किया है, सूत्र में के रूप में लिखा है उन्होंने, उसे सूत्र शैली कहते हैं। और बुक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, उसमें अष्ट अध्याय हैं, आठ अध्याय हैं और सभी में सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। एप्रोक्सिमेटली द सूत्र इज 4000 सूत्र ही रिटन देयर। तो सबको याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन पढ़ना चाहिए, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं तो वो सूत्र के द्वारा पढ़ोगे तो इजी भी हो जाएगा और जानना भी चाहिए। तो इस तरह से ये बताया गया है इसमें, एंड इन दिस लेसन यू मतलब स्थाने अंतरतम एक उनका सूत्र है, उसके उस झलक इस चैप्टर में मिलती है और बताया क्या गया है अबाउट स्वाभाविकम सादृश्यम, जो नेचुरल थिंग है, जो नेचुरल दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है उसके विषय में इस अध्याय में उन्होंने बताया है। तो लेट्स स्टार्ट, सी इन योर बुक, संसारे विविधा पदार्था सन्ति, इन दिस वर्ल्ड सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग इज देयर, यहाँ पे बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं,
different types of thing you can see in your here and there. कहीं भी आप देखते हो, बाहर निकलते हो या घर में ही देखते हो, अपने क्लासरूम में देखते हो, तो विभिन्न तरह के आपको चीज देखते हैं. इन क्लासरूम व्हाट यू सी, फैन, ब्लैक बोर्ड, टेबल, बुक, सो मेनी थिंग, पेन, ये सब अलग अलग चीज है. बैग है तो ये एक ही तरह की चीज नहीं, बैग ही हर जगह नहीं रखा हुआ है, हर है सभी बच्चों के पास, बट और सो मेनी थिंग यू आर सीइंग हियर ना. सो दैट इज संसार में विविध पदार्थ हैं, बहुत तरह की चीजें हैं इस संसार में. तद्य था स्वर्ण लोह आदि धातव, तद्य था मतलब वैसे ही, तद्य था मतलब जस्ट है, मतलब जैसे समझने के लिए बोला, तद्य था मतलब उनमें से जस्ट है कि गोल्ड एंड स्वर्ण लोह आदि धातव, मैंने लिखा यहाँ पे गोल्ड एंड आयरन, गोल्ड एंड आयरन मेटल्स लाइक गोल्ड एंड आयरन. व्हाट खादी आदयो वृक्ष, अब वृक्ष भी हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप के हैं. जैसे वट वृक्ष किसे बोलते हैं, बरगद का पेड़ जो होता है, बनियान ट्री, यू कैन सी बनियान ट्री, उसे बरगद का वृक्ष कहते हैं, वट वृक्ष कहते हैं. और खारी आदयो एक खारी का कोई वृक्ष होता है, तो ऐसे भी आप फूल के पौधे ले लो तो विभिन्न प्रकार के आप फूल देखते हो. इफ यू गो एनी गार्डन देन देयर यू सी द रोज़ेस, देयर द लिली इज एंड द जास्मिन, सो मेनी ना, तो रेड सम इज रेड, सम इज ब्लू, ब्लू इज ऑल्सो अपराजिता, अपराजिता फ्लावर इन कलर ब्लू एंड सो मेनी. मतलब कहने का मतलब यही है कि बहुत फूल है तो फूल ही विभिन्न प्रकार के हैं, पेड़ हैं तो वो भी विभिन्न प्रकार के हैं. सो वो गोट का आदय है पशु, अब पशु हैं, एनिमल्स हैं. इफ यू सी द एनिमल्स नॉट यू सी ओनली काउ इन दिस वर्ल्ड, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो, द काउ, हॉर्स, डॉग. सो ये बोले गो गोट का आदय पशुचर, मतलब पशु भी जो है वो भी विभिन्न प्रकार के हैं आकार में और शेप में. और क्या वो एसु पुनः प्रत्येकम अभी पदार्था भिन्ना भिन्ना भवन्ति, इनमें एसु मतलब इनमें पुनः प्रत्येकम अभी पदार्थ, मतलब हर एक पदार्थ, प्रत्येकम अभी सभी पदार्थ, द ऑल थिंग आर डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड, द ऑल थिंग्स आर डिफरेंट. एसु मतलब इनमें जो है हर चीज, एवरीथिंग आर डिफरेंट, सभी जो है भिन्न भिन्न भवन्ति. तद्यथा जस्ट एज लोह स्वर्णम लोहात भिन्नम भवति, स्वर्ण जो है लोहात, पंचमी का एक वचन है लोहात में, आपने राम का शब्द रूप याद किया होगा रामात, जो भी पुलिंग का अकारांत शब्द रूप अगर याद किया तो लोहात आया पंचमी का एक वचन, तो पंचमी में है पड़े होना, से अर्थ में, से अर्थ में पड़े होना, तो लोहात लोह से, यहाँ क्या है, क्यों है पंचमी, क्योंकि भिन्नम भवति वो अलग है उससे, भिन्न है तो इसलिए पंचमी विभक्ति है. स्वर्णम लोहात भिन्नम भवति, क्या है, द गोल्ड इज ऑल्सो डिफरेंट बाय आयरन. अथ च प्रत्येकम सुवर्ण खंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति, लाइक दैट द ऑल गोल्ड पीसेज आर ऑल्सो डिफरेंट इन हिज शेप एंड काइंड्स. जैसे कि सुवर्ण खंड के बारे में यहाँ बोला है कि गोल्ड इज ऑल्सो यू कैन सी द डिफरेंट इन शेप एंड काइंड, मीन्स वो आकार में और उसके जो काइंड होते हैं उसमें वो भिन्न होते हैं. लाइक मान लो कि कोई हाथ की चूड़ी बनाया गोल्ड का, वो लाइक शेप में भी गोला है, किसी ने कान का बनाया, किसी ने ब्रेसलेट बनाई,
तो कैरेट बोलते कोई 24 कैरेट होता है ऐसे, कोई कम का किसी में कुछ मिक्स करके बनाते हैं, कोई प्योर गोल्ड का बनाते हैं, तो वो उस तरह उसके प्रकार में भी भिन्नता आ जाती है और आकार में भी भिन्नता आ जाती है। कोई गोला वाला बनाया, कोई लंबा ब्रेसलेट बनाया, कोई चेन बनाया, तो ऐसे इसलिए बोला गया है। यहाँ पे लिखा है कि अथ च प्रत्येक सुवर्ण खंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति, लाइक दैट द गोल्ड इज ऑल्सो द डिफरेंट इन शेप एंड काइंड। वस्तुतः बात समझ में आई, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग यू। सो सी द वंस मोर, संसारे विविध पदार्थ सन्ति, इन दिस वर्ल्ड सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स हियर, तद्यथा स्वर्ण लोहादो धातव। आप लोग अपने बुक में देखोगे तद्यथा, तो जस्ट एज गोल्ड एंड आयरन, द मेटल लाइक गोल्ड एंड आयरन, वट खादि आदयो वृक्षा, द ट्री लाइक बनियान एंड खरादि, पीपल वृक्ष या एनीथिंग खरादि कुछ वृक्ष का ही नाम है, वो घोट का गया परस्पर चा एंड काउ एंड हॉर्स, काउ हॉर्स एंड एक्सेट्रा द एनिमल्स आल्सो इन इज डिफरेंट इन शेप एंड कलर, एषु पुनः प्रत्येकम अपि पदार्थ भिन्न भिन्न भवन्ति, इन इन अमंग देम इन या इन दे इन दिस ऑल थिंग the everything is different, tadyatha swarna lohat bhinnam bhavati, just as gold is different by iron and the silver is different by iron by gold, anything you add kar sakte ho, ye isse bhin hai, ye isse bhin hai, ye isse bhin hai। अथ च प्रत्येकं सुवर्णखण्डः परस्परम् आकारेण प्रकारेण च भिन्नं भिन्नं भवति, अथ च मतलब लाइक दैट प्रत्येकं सुवर्णखण्डः एवरी गोल्ड पीसेज परस्परम् आकारेण प्रकारेण, मतलब इन द सेम एंड काइंड दे आल्सो डिफरेंट, गोल्ड है अगर तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन शेप एंड काइंड, अंडरस्टूड। सो सी हियर नेक्स्ट पैराग्राफ, वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्ना सन्ति इति प्रतीयन्ते, तो गुड अस्तित्व रूपेण, अस्तित्व रूप में भी और सत्ता रूप में भी ये सभी पदार्थ जो हैं परस्पर भिन्न ही होते हैं, मतलब इट सीम्स इन हिज क्वालिटी एंड इन हिज द शेप दिस इज ऑल्सो दिज ऑल आर ऑल्सो इन डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट काइंड, परंतु प्रत्यक्षतः परस्पर भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकम् अन्तर्यमपि भवति, छोटा छोटा करके देखो, परंतु प्रत्यक्षता बट इन लाइट, और प्रत्यक्षता का मैंने क्या बताया है ना आप लोगों को भी, इन अपेरेंटली जो हम लोग देखते हैं प्रत्यक्षता, इन अपेरेंटली जो अपीयर है हम लोगों के सामने, जो हम लोग आंखों से सामने देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्षता। अक्ष मतलब आंख होता है, अक्ष प्रति, प्रति प्लस अक्ष, तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अभी एक चौक है इसको हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अभी आप नहीं देखोगे, उस साइड मुंह कर लोगे, आंख बंद कर लोगे, तो आप बोल सकते हो कि मैम के हाथ में एक चौक है, दैट इज ट्रू कि इन माय हैंड दिस इज अ चौक, बट आप जब अपनी आंखें खोलोगे तो आप बोल सकते हो ये मैं प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, प्रत्यक्षता देख रहा हूँ कि दिस इज अ वन चौक इन मैम्स हैंड,
here written ki परंतु प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि मतलब अपेरेंटली द ऑल थिंग्स आर किंचित एकम स्वाभाविकम अंतर्यम अपि भवति अपेरेंटली द ऑल थिंग्स आर डिफरेंट द नेचुरल डिफरेंट बिटवीन देम कोई भी जब हम प्रत्यक्षता देखते हैं गोल्ड का ही चीज मान लो ले लो अभी तो गोल्ड की बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं तो आप प्रत्यक्षता देख सकते हो ये डिफरेंट है ये चेन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिंग रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कुछ भी ये ब्रेसलेट सो इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डिजाइन यू कैन सी प्रत्यक्षता अपेरेंटली अपनी आंखों के सामने देख सकते हो तेते पदार्थ यदा क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा अस्य प्रतीति भवन्ति तेते पदार्थ मतलब दैट थिंग दैट ऑर्नामेंट और दैट शेप यूटेंसिल ऑल्सो यू कैन सी ना कि सम इज बाउल सम इज ग्लास एंड अनदर इज थाली डिश एंड जग एंड सो मेनी ना थिंग्स यू सी इन एट योर होम द cooker, the degi, all are utensils, but in shape and the use is different for all things. So here it said that tete padartha, the all things yada kriyayam prayuktah, jab wo apne kaam mein lakriyan kriya mein prayukt hote hain, tab asya pratiti bhavanti. तदा मतलब देन तदा मीन्स देन अस्य प्रतीति भवति प्रतीति मतलब सीम्स आई फील देन कि अगर आप बाउल होगे तो बाउल में आप बड़ी चीज नहीं कर सकते हो जैसे कुछ खाना अगर थाली लिया तो थाली में आप दाल नहीं डाल सकते हो दाल पूरा फैल जाएगा तो उसके लिए बाउल चाहिए ओके अंडरस्टूड आई वॉन्ट सेइंग अगर आपने ब्रेसलेट बनाई है तो ब्रेसलेट को आप गले में नहीं पहन सकते हो और लगेगा कान में नहीं पहन सकते हो उसका जहाँ स्थान है वहाँ वही आपको वो शोभा देती है और उसकी आपको प्रतीति होती है कि दिस इज फॉर यूज व्हाट पर्पस इट मेड फॉर अस्य सिद्धांतस्य उपदेशः द्वाविंशति शतवर्षेभ्य पूर्व आचार्य पतंजलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्य कृता इन सिद्धांतों की के बारे में अस्य सिद्धांतस्य द फॉर दिस ये सिद्धांत में उपदेश बोलते हैं सिद्धांत को फॉर दिस मोरल दिस एडवाइस जो इस टाइप की एडवाइस पतंजलि ने दी है ये द्वाविंशति शतवर्षेभ्य द्वाविंशति किसको बोलते हैं 22 एंड सत लग गया तो 2200 इयर्स अगो 22 इयर्स अगो द आचार्य पतंजलि सेड इन हिज महाभाष्य जो उन्होंने पुस्तक बनाई अष्टाध्यायी उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है दिस मोरल ही सेड देयर तत्र ते कथयन्ति अब यहाँ है कि तत्र ते कथयन्ति अब यहीं तक आज रखो फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना कि विच आई सी इन आवर नियर बाय जो हम लोग अपने पास देखते हैं आस पास देखते हैं हियर एंड देयर इन योर होम इन योर क्लासरूम एंड एट रोड एंड एवरीवेयर वेयर यू गो व्हेन यू कैन सी देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल थिंग्स ग्लास कोई ले लो अगर ग्लास है तो ग्लास भी विभिन्न प्रकार के होते हैं बैग है आपके स्कूल बैग है तो सबके स्कूल बैग सेम नहीं है सबके अलग अलग कलर हैं अलग अलग डिजाइन है लाइक दैट इट इज ऑल्सो इन आवर लाइफ अपने लाइफ में भी ये
व्यक्ति आगे अभी आगे आएगा कि कोई जो है कोई व्यक्ति somebody thin and somebody are fat. जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इफ दे गो ऑन इन एनी फंक्शन दे नॉट सिट विथ द सेम पर्सन. वो ऐसा नहीं है कि जो पतले हैं जो थिन है वो थिन के साथ बैठेंगे. वो इज फैट दे सिट विथ फैट. नो नेवर दे सिट विथ विच ही नो बेटर. जिनको वो नो जिनको वो जानते हैं अच्छी तरह से. हुम ही नो बाय द नेचर बाय द हिज फ्रेंड इफ ही वाज हिज इफ ही इज द पर्सन इज हिज फ्रेंड और हिज रिलेटिव और एनी वर्क विथ हिम देन ही सिट विथ देम नॉट विथ अनदर. लाइक दैट आई सेड ना कि मैटरनल साइड के लोग मैटरनल के साथ ही बैठते हैं. और वो आपने ये चीज कहीं शादी ब्याह में देखी होगी. आप जाते हो बहुत सारे लोग आते हैं पर आप कहाँ पहुँचते हो जहाँ आपके फ्रेंड होते हैं जहाँ आपके पहचान वाले होते हैं वहीं जाके आप खड़े होते हो बैठते हो और ग्रुप बनाते हो है ना. तो आज के लिए इतना ही. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे ही कंटिन्यू करेंगे. इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज पार्ट वन आई रीड इट एंड नेक्स्ट डे वी विल डू द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर. तो आप आगे कम सादृश्य. ओके बाय. स्टे होम एंड स्टे सेफ.